माय अफर्मेशंस 2021 फर्स्ट जनवरी. कुछ अफर्मेशन मैंने अपनी डायरी में लिखे थे. आई एम रिच, आई एम क्लासी, आई एम ग्रेसफुल, आई एम सक्सेस, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस. जो भी मैंने इसमें फर्स्ट जनवरी को अपनी अफर्मेशन डायरी में लिखा था, यकीन मानिए गाइस, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स में वो सब कुछ हो चुका. जो भी मैंने डायरी में लिखा था, ये होता है शब्दों का ताकत, शब्दों का पावर. और सही शब्द क्या होते हैं वो मैंने इस डायरी में लिखे हैं, वही मैं सिखाती हूँ शब्दों की बातें वेबिनार में. क्योंकि कई बार मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज, मैम हम लिख रहे हैं बट नहीं असर हो रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, बट आपके शब्द क्या हैं वो मुझे नहीं पता पड़ते. शब्दों की बातें वेबिनार में मैं बोलती हूँ, आगे सीख लीजिए, जान लीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से शब्द गलत हैं. मेरी एक स्टूडेंट है, वो करोड़ों की बातें वेबिनार में आई और उन्होंने बताया कि मैम मैंने 555 टेक्निक से ये लिखा हुआ है काफ़ी दिन से कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट माई होम इन माई बजट एंड फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ. आई सेड आपने लिखा है इन माई बजट, क्या आपने बजट बताया है यूनिवर्स को. देन शी सेड कि मैम क्या लिखना है. मैंने कहा लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट अ परफेक्ट होम. परफेक्ट मतलब वो बजट में होगा, वो सुंदर होगा, उसकी लोकेशन अच्छी होगी. यकीन मानिए गाइस, आप सबको पता है करोड़ों की बातें वेबिनार के बाद 2 या 3 दिन बाद मेरा शब्दों की बातें वेबिनार होता है. वो शब्दों की बातें वेबिनार में फिर आई और उन्होंने बताया कि मैम जिस दिन आपने करोड़ों की बातें वेबिनार में मुझे सही स्टेटमेंट बताया था, उसके अगले दिन मैं अपने नए घर में शिफ्ट कर गई थी. ये होता है सही शब्दों की पावर. आप क्या लिख रहे हो, क्या शब्द हैं आपके, क्या वाइब्रेशन है आपकी, ये सब बहुत मैटर करता है गाइस. और मैं ये बिल्कुल दिल से चाहती हूँ, क्योंकि अब ये नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर बस 1 महीना और बचा है. जो काम मैंने किया था फर्स्ट जनवरी को, बस फर्स्ट जनवरी आने वाला है. डिक्लेयर कर दीजिए अपना पूरा साल 2022 कैसा जाने वाला है, क्या चाहते हो, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो पूरे साल. सीख लीजिए और फिर डायरी में लिखिए. अगर आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आई एम अट्रैक्टिंग इन 2021 माई ऑल ड्रीम्स एंड गोल्स. एंड यकीन मानिए मैंने लिखा था आई अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूर्स, आई अट्रैक्ट मनी मिराकुलसली एवरी डे आई एम रिसीविंग मनी इन माई बैंक अकाउंट. I attract love and laughter. I attract tasty healthy food. I attract, अभी जस्ट मैं देख रही थी और मैंने यहाँ पे लिखा था iPhone 12. ये सब मैंने 2021 के लिए लिखा था. मुझे नहीं पता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था iPhone 12 खरीदने में. But guys, iPhone 12 से मैं आपसे बात कर रही हूँ. So, और मैंने जब खरीदने का सोचा था, मैंने आप लोगों को बोला था एप्पल अगर मुझे लेना है तो 11 लेना है. सुहेल को मैंने बोला सुहेल मुझे ऑर्डर कर दो फोन, एंड आई डोंट नो उसने उसी को मैंने कहा था कि कितने का है चेक कर लेना, एंड ही ऑर्डर आईफोन 12 जो कि मैंने अभी देखा. इट्स आई अट्रैक्ट आईफोन 12. आई अट्रैक्ट लग्जरीज, कम्फर्ट्स एंड क्लास. आई अट्रैक्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रिप्स. आई अट्रैक्ट सेलिब्रेशंस. आई अट्रैक्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स. गाइस ये सब मैंने चाहा था, मैंने लिखा था और मैंने क्रिएट किया था मेरा 2021 फर्स्ट जनवरी को, और ये सब हो चुका. एक गलती और मैंने की थी, जब मैंने देखा कि 21 जनवरी को मैं हमारा यूएस की टिकट कट गई और मैं यूएस निकल गई. जब मैं यूएस गई थी तो मैं वहां पे शिकागो, न्यू जर्सी, क्लीवलैंड, ओहायो, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, जब मैं इतनी जगह ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद मैं मुंबई आई हूँ. मुंबई में भी आपको पता है मुंबई इंदौर मैंने बहुत किया है हैप्पीनेस सेंटर की वजह से. मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से, एंड अब मैं सवाल करती हूँ यूनिवर्स से, यूनिवर्स में इतना ट्रैवल क्यों कर रही हूँ, मैं मुंबई में अपने ही घर में नहीं रह पा रही हूँ. तो यूनिवर्स बोलता है कि डायरी खोल के देख लो क्या लिखा था. एंड एक्चुअली मैंने ये भी लिखा था I am always traveling. So, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भविष्य मैंने ही लिखा था फर्स्ट जनवरी को. So, guys, आपका भविष्य आप ही लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिखेगा. और यकीन मानिए बस यही वक्त है, शायद नवंबर में और दिसंबर में मैं 1 या 2 वेबिनार और लूंगी शब्दों की बातें. आके सीख लीजिए क्या शब्द होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट, व्हाट इज द राइट वर्ड, व्हाट इज द राइट वाइब्रेशन.
ये आप ही के लिए ले रही हूँ मैं शब्दों की बातें वेबिनार, और सोनाली से कॉन्टैक्ट कीजिए कैसे रजिस्टर कराना है, क्योंकि सही शब्द बहुत ज़रूरी हैं आपके सही डेस्टिनी के लिए। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे भगवान को या एक्सक्यूज या ब्लेम, हम ये कहेंगे हमने हमारी डेस्टिनी खुद लिखी है, सही हो या गलत। जो मैंने अच्छा लिखा वो हुआ, जब मैंने लिखा आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग दैट वॉज माई रॉन्ग वर्ड, मुझे ये लिखना चाहिए था आई लव ट्रैवलिंग। सो गाइस, हम कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करती क्योंकि मेरी किस्मत मैं खुद लिखती हूँ अपनी डायरीज में, और डायरीज कौन सी है, क्या लिखना है, ये सब मैं बताऊंगी शब्दों की बातें वेबिनार में। क्या आप सीखना चाहेंगे?